वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे माइक्रोटेक स्क्वायर वेव इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम के बारे में। और दोस्तों ये सर्किट डायग्राम से आप कोई भी स्क्वायर वेव माइक्रोटेक इन्वर्टर को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो फिर आप देख सकते हैं यह है आपका सर्किट डायग्राम। तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइज को बड़े कर लेते हैं। देख सकते हैं यह है इसकी सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे माइक्रो कंट्रोलर की तरफ। दोस्तों देख सकते हैं माइक्रो आईसी की माइक्रो कंट्रोलर आईसी है ये। फर्स्ट पिन जो है ये रिसेट है, यानी कि इसकी रिसेट सप्लाई जाएगी तो ये ऑन होगा। यहाँ पर रिसेट वोल्टेज हम लोग को देना पड़ता है। और पिन नंबर टू जो है आप देख सकते हैं ये मेन सेंसिंग इनपुट है, जो ऑप्टो कपलर है 435 यहाँ से जो है कि सप्लाई आती है। और आने के बाद में इसमें आपका देख सकते हैं 1.6 वोल्ट यहाँ पे आएगी, तब जाके ये चेंज ओवर होगा। ठीक है, पिन नंबर थ्री देख सकते हैं। पिन नंबर थ्री जो देख सकते हैं ये है आपका बैटरी लेवल सेंसिंग इनपुट। यहाँ पर आप करेंगे यानी कि बैटरी पे वोल्टेज कितनी है उस हिसाब से ये सेंसिंग करेगी और लो बैटरी की इंडिकेशन करेगी, और अगर बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो चार्जिंग कटअप यहाँ पे ये करेगा। और दोस्तों पिन नंबर फोर देख सकते हैं आप। पिन नंबर फोर जो है ये चार्जिंग कंट्रोल इनपुट होती है, यानी कि चार्जिंग एम्पेयर यहाँ पर ये इनपुट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पिन नंबर फोर से जो है चार्जिंग कंट्रोल यहाँ पर इनपुट होती है। और ये जो है LM324 IC उसकी पिन नंबर फोर से ये जो है कि चार्जिंग कंट्रोल के लिए सिग्नल यहाँ पे इनपुट होता है। पिन नंबर फाइव जो तो ये है आपका देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ जा रही है सप्लाई, ये आपका ओवरलोड कंट्रोल यहाँ पे इनपुट होगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ओवरलोड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया है, कंट्रोल के लिए गया था। और पिन नंबर एट से ये आपका जो है ओवरलोड कंट्रोल करने के लिए यहाँ से सप्लाई जाएगी। ठीक है, और दोस्तों आगे चलेंगे हम लोग। सिक्स नंबर देख सकते हैं ये बजर के लिए आउटपुट होगा, यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वो बजर में आपको जो कि सप्लाई जाएगी। इसके बीच में एक ट्रांजिस्टर होगा और एक बजर होगा, तो जो कि ये ट्रांजिस्टर BC557 यहाँ पे होगा और बाजार को ये ऑन करेगा। ठीक है, अब दोस्तों पिन नंबर सेवन देख सकते हैं, सेवन भी आपका जो है फ्रिज ब्लोन इंडिकेशन इनपुट होती है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिज ब्लोन इंडिकेशन यहाँ इनपुट होती है। अगर ये सप्लाई नहीं मिलने पर आपका जो कि फ्रिज ब्लोन इंडिकेशन ये करेगा या फिर चेंज ओवर नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर एट जो है ये ग्राउंड है, पिन नंबर नाइन और टेन जो है कि क्रिस्टल से कनेक्टेड है और इसके बीच में दो PF लगा हुआ है और ये ग्राउंड है। देख सकते हैं ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। और दोस्तों देख सकते हैं पिन नंबर 11 जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं MS ऑन का इंडिकेशन है 11 नंबर पिन। 12 नंबर दोस्तों देख सकते हैं ये चार्जिंग का है, ये बैटरी चार्जिंग तो इंडिकेशन करेगा। 13 देख सकते हैं ये इन्वर्टर ऑन ऑफ, यहाँ पे इन्वर्टर ऑन होगी तो इन्वर्टर ऑन के लिए LED ग्लो करेगी। और यहाँ पर 14 देख सकते हैं ये बैटरी लो के लिए है, यानी कि लो बैटरी के लिए है, लो बैटरी होने पर यहाँ पे लो बैटरी की LED ग्लो करेगी। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 15 है, ये ओवरलोड के लिए LED ग्लो करेगी। और पिन नंबर 16 जो है
फ्यूज ब्लोने के लिए इंडिकेशन यहाँ पे करेगा, फ्यूज जाने पर यहाँ पे ये फ्यूज ब्लोन का इंडिकेशन करेगा। 17 देख सकते हैं, 17 ये आपका जो है कि स्विच का है, इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। पर जो 18 है ये आपका बायसिंग इनपुट है, यानी कि यहाँ पे 1.5 के रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे इनपुट कराया गया है। 19 ग्राउंड है, पिन नंबर 20 जो है कि 5 वोल्ट यहाँ पे इनपुट है, यानी कि ये VCC है। पिन नंबर 21 देख सकते हैं, पिन नंबर 21 में ये आपका ओवरलोड सेंसिंग यहाँ पे इनपुट की गई है, ठीक है, और एक सेंसिंग इनपुट की गई है पिन नंबर 5 पे। अब दोस्तों देख सकते हैं पिन नंबर 22 जो है आपका मेन सेंसिंग यहाँ पे भी ये इनपुट किया गया है, देख सकते हैं आप, और ये 2.2 के रेजिस्टेंस से इनपुट यहाँ पे किया गया है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 823 दोस्तों ये है आपका, देख सकते हैं आप, ये आपका रिले के लिए सप्लाई जाएगी, यानी कि AC/DC को सिलेक्शन यहाँ से ये करेगा, देख सकते हैं आप, यहाँ से रेजिस्टेंस 2.2 के रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे इसके बेस में इनपुट हो जाएगी। 4.7 ग्राउंड किया गया है, और इसमें जो सप्लाई डायरेक्ट निकल रही है उसमें भी ग्राउंड किया गया है, और ये आपका रिले में सप्लाई चली जाएगी, ठीक है, ये रिले की सप्लाई है। पिन नंबर 24 आप देख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज सेंसिंग इनपुट होती है, लेकिन इसमें ये खाली है। पिन नंबर 25 देख सकते हैं, ये NC है, यानी कि नो कनेक्शन है। पिन नंबर 26 ये चार्जिंग की सप्लाई आउटपुट होगी, जो कि NE555 में चली जाएगी, देख सकते हैं कि जो कि ये रिसेट वोल्टेज यहाँ पे इनपुट होता है, और 3 से आउट होगा, देख सकते हैं, और ये ट्रांजिस्टर में जाएगी, और ट्रांजिस्टर जो है कि आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर को ये स्विच करेगा, देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में SCR देख सकते हैं, यहाँ पे SCR वर्क करेंगे, ठीक है, यहाँ पे SCR में डायोड लगे हैं दोनों साइड से। उसके बाद में यहाँ पे मेन लाइन सप्लाई आपका इनपुट होगी 220, यहाँ से 220 आ जाएगा, और स्विच करने के बाद में यहाँ पे जो है कि देख सकते हैं ये कैथोड से निकल जाएगी, और यहाँ पे चार्जिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, 125 वोल्ट जो कि ट्रांसफार्मर में सप्लाई चली जाएगी, ठीक है। इसकी जो SCR है 25 PT S12 है, दोनों साइड में सेम लगेंगे, और यहाँ पर डायोड BA159 रहेगा, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस 27 ओम्स की रहेगी, और इसके बीच सॉरी गेट और के बीच में जो रहेगा वो आपका 100 ओम्स का रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक PF है, यानी कि कैपेसिटर है, 104 PF रहेगा यहाँ पे, सेम दोनों साइड में भी सेम ऐसा होगा, 27 ओम्स का रेजिस्टेंस रहेगा, और डायोड BA159 रहेगा, देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आपका सेम 100 ओम्स का रेजिस्टर रहेगा, 104 PF रहेगा यहाँ पे, देख सकते हैं आप। आगे दोस्तों चलेंगे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलेंगे मेंस इनपुट में। मेंस इनपुट में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपका 3 कनेक्शन होगा, एक आपका न्यूट्रल का हो जाएगा, और उसके 100 के रेजिस्टेंस के थ्रू चला जाएगा आपका डायोड। दोस्तों ये चेंज ओवर का सेक्शन है, ये पानी पावर सप्लाई का सेक्शन है, और उसके बाद में यहाँ पे कनेक्शन होगा FB का, यानी कि बिफोर फ्यूज से रहेगा। यहाँ पे आपका एक सप्लाई इनपुट होगा, ये और ये दोनों आपस में ये जुड़े रहेंगे, यानी कि लाइन इनपुट होगा, यहाँ पे भी लाइन इनपुट होगा, लेकिन ये आपका जो है कि फ्यूज से पहले यहाँ पर कनेक्शन होगा, फ्यूज के बाद यहाँ पे होगा। अगर फ्यूज कट जाएगा उस पीरियड में सप्लाई जाएगा, देख सकते हैं 200 के का रेजिस्टेंस है, देख सकते हैं यहाँ पे 100 था और यहाँ पे 100, और 4-6 डायोड के बाद में यहाँ पावर सप्लाई बना के आपका ऑप्टो कपलर में दी गई है, देख सकते हैं, और एक सीरीज कर दी गई है। यहाँ पे एक वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे न्यूट्रल से, ठीक है। तो अगर एक वोल्ट नहीं आ रही है तो हो सकता है आपके बीच में रेजिस्टेंस और डायोड शॉर्ट हो, इसको आपको देखना होगा। फ्यूज यानी कि बैटरी पर नेगेटिव लगेगी, उसके बाद फ्यूज का कनेक्शन रहेगा, 40 एम्पीयर का DC फ्यूज रहेंगे दो, और 0.33 ओम्स का जो है कि 4 रेजिस्टर रहेंगे, जो कि ये शंट रेजिस्टेंस का काम करता है,
और यहाँ से आप चार्जिंग सेक्शन में 10K से सिग्नल जाएगी जो कि बैटरी में चार्जिंग का जो है कि एम्पेयर कंट्रोल करेगा, और यहाँ पे ओवरलोड कंट्रोल यहाँ पे करेंगे, यानी कि ओवरलोड सेक्शन ये हो गया और यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन हो गया और यहाँ पे मेंस का सेक्शन हो गया। ठीक है, तो तीन जगह से तीन आपको सेक्शन इसमें मिलेंगे और एक 1, 2, 3 जो है कि ये खाली है, पिन रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे आउटपुट की तरफ। आउटपुट में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्राइव वोल्टेज निकलेगी 27-28 से वो इस ट्रांजिस्टर में आएगी 4.7 के रेजिस्टेंस से, और एम्पलीफाई करते हुए दो इसमें आपका जो कि ट्रांजिस्टर लगेंगे एक चैनल में, और यहाँ पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे इनपुट हो गए तो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे ये ऑन होगा ये ग्राउंड करके ऑफ होने से ये ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर मॉस्फेट को स्विच करेंगे और मॉस्फेट जो कि ट्रांसफार्मर फायर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर स्विच करेंगे, अभी फायरिंग करेंगे तो इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाएगी। 125 वोल्ट जो रहेगा वो चार्जिंग के लिए रहेगा ये लूप, और ये लूप जो है देख सकते हैं ये आपका आउटपुट के लिए रहेगा। और दोस्तों इसमें मॉस्फेट आपके 4 मॉस्फेट रहेंगे, 6 मॉस्फेट भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोड के हिसाब से है, यानी कि मैक्सिमम 3 से 4 आपका मॉस्फेट होते हैं और 2-2 भी होते हैं, अगर जो कि कम वाट के होंगे 2-2 करके मॉस्फेट लग जाएंगे, अगर अधिक वाट की है तो आप इसमें 4 मॉस्फेट लगा सकते हैं, यानी कि एक साइड में 4, 2, 4 एक साइड में 4। जो डायग्राम है ये ऑप्टो कपलर वाला जो है सर्किट बोर्ड है उसका ये सर्किट डायग्राम है, तो इसको देख के आप माइक्रोटेक स्क्वायर एप की इन्वर्टर को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सर्किट डायग्राम है इसकी PDF फाइल मैं अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप से ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों को सब्सक्राइब करना और ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए।